कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। करीब 100 से ज्यादा गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद गिरफ्तार किए गए सपा के मेरठ शहर विधायक रफीक अंसारी की परेशानी और बढ़ सकती है। मंगलवार को भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक ज्ञापन SP सिटी को दिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रफीक अंसारी ने विधानसभा चुनाव से पूर्व दिए शपथ पत्र में तमाम तथ्य को छिपाया है। जिस मामले में उनकी बीते दिवस गिरफ्तारी हुई है, एक प्रमुख तथ्य यह भी शामिल है। भाजपा ने आरोप लगाया कि रफीक अंसारी के खिलाफ अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं, लेकिन शपथ पत्र में उन्हें छिपाया गया है, लिहाजा इसकी जांच कर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। SP सिटी को ज्ञापन देने के बाद भाजपा के महानगर अध्यक्ष ऋतुराज जैन ने मीडिया से यह कहा, देखिए बहुत गंभीर विषय को लेकर मैं और कमल तक जी यहाँ पर आए हैं। देखिए जो 2022 में हमारे विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें जो प्रत्याशी यहाँ पर विधायक हैं वर्तमान में रफीक अंसारी जी, वो उन्होंने जो एक कॉलम होता है कि भाई उसके अंदर अपराध कितने हैं, वो सब उसकी पूरी जानकारी उसके अंदर होती है, तो पोर्टल पे भी उपलब्ध है। उन्होंने केवल एक अपराध के बारे में उसके अंदर दिखाया था, दर्शाया था, लेकिन अभी वो यहाँ तक कि जो मुकदमे में जिस उसमें वो गिरफ्तार हुए, यानी कि बाराबंकी से यहाँ पर पहुँचे गिरफ्तार करके मेरठ की पुलिस उनको लेकर आई है, वो भी उन्होंने उसके अंदर नहीं दर्शाया। तो इसके अतिरिक्त भी जैसा भी जानकारी मिली है, अन्य भी बहुत सारे मुकदमे हैं जो उन पर दर्ज है। तो मैं और कमल, देखो पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है कि कौन कौन से, लेकिन इतनी जानकारी है कि बहुत सारे मुकदमे जैसे जिसमें वो गिरफ्तार हुए वही मुकदमा है। गिरफ्तार होना, वहां से बाराबंकी से लाना कोई आसान काम था, इतना जब वहां से निकला है तो उसमें ये आए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई मुकदमे हैं जो उन पर दर्ज हैं। तो हम तो यहाँ पर SP साहब के पास आए हैं, उन्होंने CO पर जांच भी बढ़ाई है, जो एक सप्ताह के अंदर वो उनको रिपोर्ट देंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है, कौन कौन से मुकदमे उन पर दर्ज है। तो जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो आगे इसकी जो भी उचित कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, प्रशासनिक स्तर पर भी और संगठन के स्तर पर भी। आप क्या चाहते हैं? भाई चाहना तो देखिए, अगर ये तो मैं क्या, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, ये तो नियम है। अगर कोई भी मैं चीज, अगर नामांकन के समय इवन मैं, अगर कोई संपत्ति मेरी है अब मैं नहीं दर्शाता हूँ, अगर मैं शिक्षा मेरी है अब मैं नहीं दिखाता हूँ, ऐसी मैंने अपराध किए, मेरे कई मुकदमे दर्ज है, मैंने एक दिखाया, तीन नहीं दिखाए, तो ये सब तो नियम के अनुसार उसकी जो विधायकी होती है वो निरस्त हो जाती है, ये नियम है। तो चाहने ना चाहने से नहीं, ये तो जो फैक्ट सामने आएंगे वो देखा जाएगा। मौके पर मौजूद भाजपा के मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के संयोजक कमल दत्त शर्मा ने यह जानकारी दी। आप विधानसभा शहर से चुनाव लड़े हैं जी। आपको जो टक्कर दी थी वो रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी के जी, जी। जो विधायक थे, दूसरी बार फिर विधायक बने जी। अब एफिडेविट में आपने कुछ कमियां निकाली हैं, पता चला है? नहीं नहीं, कमियां नहीं निकाली हैं, वो कमियां नहीं है, वो तथ्य छुपाए गए हैं। भाई शपथ पत्र का मतलब, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, शपथ पत्र का मतलब है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे ऊपर एक मुकदमा है, और जो भी, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि एजुकेशन हो, प्रॉपर्टी हो या क्राइम हो, जो मुकदमे हो, इनको कोई भी छिपाता है और शपथ पत्र में उसको नहीं दर्शाता है, तो ये स्पष्ट रूप से एक क्राइम है। और उसके लिए हमने एक यहाँ पर अपना एक शिकायती पत्र आदरणीय SP साहब को दिया, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। उसके बाद उसमें जो जांच में जो चीज आएगी उसके अनुसार आगे पुलिस की कार्रवाई होगी, और उसके अंदर स्पष्ट है कि मुकदमा उन्होंने एक दिखाया है, और रात भी जब वो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेगा तो दो मुकदमों की चर्चा तो कोर्ट में ही हो गई, एक नौचंदी का और एक सिविल लाइन का। तो इसमें स्पष्ट है कि दो में से मतलब एक तो नहीं दिखाया ना, इसके अलावा भी जो भी मुकदमे हैं अब पुलिस के हाथ में है, पुलिस अपनी जाँच करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। आपको लग रहा है NPW होना एक कानूनन प्रक्रिया है न्यायालय की, ये अलग बात है, लेकिन पुलिस के, लेकिन दूसरी बात यह है कि जनता को गुमराह करना, चुनाव आयोग को गुमराह करना,
और सबके बीच में जाना, जनता के बीच में जब भी कोई प्रतिनिधि चुनाव लड़ने जाता है तो वो एक एक चीज डिक्लेयर कर जाता है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है उसमें शपथ पत्र की दी है कि जिससे कि एक जनरल रूप से कहें कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरे ऊपर एक मुकदमा है, लेकिन मुकदमे अलग अलग कई हैं, कई थानों में हैं, तो उसको भी तो जांच कर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी ना। ये तो सीधा सीधा जनता के साथ, चुनाव आयोग के साथ, सबके साथ गुमराह करने वाली बात है, खिलवाड़ है। ये तो हम न्याय के लिए तो कोई भी कहीं भी जाता है, ये तो जनता का न्याय है, जनता को गुमराह किया गया है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता है। इस बारे में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने यह कहा। सर, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता यहाँ पर पहुंचे थे, आपसे कुछ मांग की है, क्या पूरा मामला है, किस बारे में मांग की है और क्या मांग? देखिए, भाजपा के कुछ पदाधिकारी आए थे, उनके द्वारा विज्ञापन दिया गया जिसमें डिमांड की गई, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं रफीक अंसारी, उन्होंने जो 2022 में शपथ पत्र दिया था उसमें उन्होंने केवल एक मुकदमे का जिक्र किया। इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि इनके ऊपर कई और भी कई मुकदमे हैं। इस संबंध में जो ज्ञापन दिया है इसकी जांच कराई जाएगी, जांच के बाद इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।